दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। आज मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर गई। कल हमने वीडियो बनाया था कि 17,025 के नीचे बाजार जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गिर सकता है। काफ़ी दिनों से हमारा अनुमान था कि हाँ मार्केट यहाँ गिरेगी, यहाँ तक आ सकती है, और हम ये सोच रहे थे, ये कैलकुलेशन कर रहे थे कि बाजार अगर गिरेगा तो 17,000 एक बहुत ही क्रूशियल साइकोलॉजिकल लेवल प्ले करने वाला है और उसको ब्रेक करते ही निफ्टी 16,500 की तरफ चल पड़ेगी, बहुत तेजी से क्रैश होगा। ये मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था, बहुत सारे वीडियोस में हिंट दे चुका हूँ, कह भी चुका हूँ। कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, बाजार है, बाजार में करेक्शंस और क्रैशेस दोनों ही बाजार का पार्ट है। इसकी जो मुख्य वजह रही इस क्रैश की वो रही रशिया का जो अटैक रहा यूक्रेन के ऊपर में, वो एक बहुत ही बड़ी वजह साबित हुई आज के इस बाजार की क्रैश की। तो समझने वाली ये बात है कि क्या बाजार वाकई क्रैश हो जाएगा, निफ्टी का बॉटम कहाँ बनेगा, सपोर्ट कहाँ बनेगा, वो हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई निफ्टी का बॉटम बन सकता है या और भी क्रैश होने की संभावना है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, पसंद ना आए तो भी कमेंट कीजिएगा और लाइक प्रेस करके आगे बढ़िएगा। अगर आपको वीडियो के मेरे एफर्ट अगर अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है ये वीडियो अच्छी है, आपके काम की है, लोगों को तक शेयर करनी चाहिए, शेयर भी कीजिएगा इसको, ताकि बहुत सारे ट्रेडर्स जो फंसे होंगे, जो बाजार में इस टाइम निकलने की सोच रहे होंगे, उनके सामने कम से कम कुछ लेवल्स होने चाहिए। दोस्तों मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है, बाय सेल की बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, अपनी एनालिसिस करके ही ट्रेड लीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं निफ्टी के मेजर सपोर्ट कहाँ मिल सकते हैं और कहाँ हमको तैयारी करनी चाहिए निफ्टी में फ्रेश एंट्री की या एवरेज करने की, या अगर आप फंस गए हैं तो ऐसा निफ्टी का कौन सा लेवल होगा जहाँ पे आप अपने स्टॉक्स में एवरेज करने की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले बाजार को बहुत बारीकी से समझते हैं। बाजार ने पहले भी यहां पे एक लो लगाया था 16,400 के आसपास में, वहां से बाजार चला था। आज बाजार ने उस लो को ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब यह है क्लोजिंग भी उसके नीचे आई है, 16,200 की क्लोजिंग है। तो 16,400 जो पहले एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, जहां से बाजार पहले चला था, जिसने सपोर्ट लिया था, उस सपोर्ट को बाजार ने तोड़ा है, है ना, दूसरी बार तोड़ा है, और यहां पे एक अच्छा खासा एक डाउनफॉल आपको दिखाई दे रहा है जो बाजार फॉलो कर रहा है। अब कहानी क्या आती है, सपोर्ट कहां मिला जाता है, हमको सपोर्ट मिलता है 16,000 के आसपास में, बहुत ही जबरदस्त क्रूशियल सपोर्ट है, आप समझ लीजिए बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, मदर ऑफ ऑल सपोर्ट्स है 16,000। अगर वो टूटता है तो क्या निफ्टी 16,000 तोड़ के निफ्टी 15,000 चली जाएगी, क्या संभावनाएं हैं? देखिए अगर अटैक बढ़ जाता है, लड़ाई चलती है, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशंस में हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते, बट क्योंकि हमेशा से मैं कहता हूं कि मार्केट एक नंबर गेम है, मार्केट एक नंबर से बाउंस करती है, मार्केट से मार्केट रजिस्ट करती है। चलिए देखते हैं निफ्टी कौन सा सपोर्ट है, बैंक निफ्टी कौन सा सपोर्ट है, और गोल्ड सिल्वर और क्रूड के लेवल भी यहां आपको देने की कोशिश करूँ। तो निफ्टी के लेवल्स को आप नोट कर लीजिए प्लीज। निफ्टी का अब जो मेन सपोर्ट है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके बहुत इंपॉर्टेंट, आपने नोट्स बनाए हैं, आपके सामने नोट्स मैं सामने रखा हूं। अब 16,129 मेजर सपोर्ट है, बहुत ही आसपास का सपोर्ट है, बहुत ही आसपास का छोटा सा सपोर्ट है। यहां पे कोई भी लड़ाई नहीं करना चाह रहा है, ना अमेरिका लड़ाई करना चाह रही है, ना रशिया लड़ाई करना चाहती थी, पर रशिया ने अटैक किया क्योंकि रशिया के अपने रीजंस थे, कमर्शियल रीजंस थे, इकोनॉमिकल रीजंस थे, जियोपॉलिटिकल रीजंस थे, उसने अटैक किया और यूक्रेन उसके सामने स्टैंड नहीं कर पाएगी, ये सब जानते हैं। ना चाइना सपोर्ट करेगा, ना हिंदुस्तान सपोर्ट करेगा, ना अमेरिका सपोर्ट करेगा, ना ही यूरोपियन बाकी कंट्रीज इस लड़ाई को सपोर्ट करने वाली, क्योंकि अगर कोई भी किसी एक के सपोर्ट में खड़ा होता चला गया तो फिर तो वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो ही जाना इस वॉर को, बट ये नहीं होगा गाइस, ये नहीं होगा। तो बिकॉज दिस इज नॉट अ वर्ल्ड वॉर, इसीलिए मार्केट्स को हमेशा कहा जाता है मार्केट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग, है ना, आगे का सोच रही होती हैं। पूरे वर्ल्ड की मार्केट गिरी है 1.5-2-3% के आसपास में, बट सबसे ज्यादा गिरी है रशिया की मार्केट, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट रशिया को होगा। मॉस्को वॉज डाउन बाय ऑलमोस्ट 45% टूडे इन सिंगल डे, क्योंकि उसकी इकोनॉमी को ये इन्फ्लेशन झेलना पड़ेगा। रशिया सिर्फ ऑयल का बेस नहीं है, बहुत सारे मिनरल्स का बेस भी है, बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज का बेस है जो पूरे वर्ल्ड में वो सप्लाई करता है। तो ऐसे में इन्फ्लेशन ऑलरेडी कोविड की वजह से बहुत हाई है, यहाँ पे इस वॉर की वजह से, क्योंकि कोई भी वॉर, कोई भी इतना बड़ा अटैक या कोई भी इतना बड़ा इवेंट एक कंट्री को बहुत साल पीछे ले जाता है, तो वो ये अफोर्ड नहीं करेंगे, इतने वो समझदार हैं, इतना दिमाग मुझे और आपको लगाने की जरूरत नहीं है। सारी कैलकुलेशंस लोगों ने कर ली होंगी, उसके बाद ही ये सब प्लान किया होगा। अब समझिए 16,129 मेजर सपोर्ट रहने वाला है। अगर ये ब्रेक होता है कल मॉर्निंग में, तो यहाँ पे हमें जो सपोर्ट तलाशना होगा वो होगा 16,000 रुपये का, और उसके बाद 15,876, और लास्ट मेरा बनता है 15,750।
मुझे लगता है कि अभी ये जो क्रैश है, जो करेक्शन है, ये यहाँ 15,750 से लेके कुछ 15,500 के बीच में एक बॉटम बन जाना चाहिए। इसके मैं मुझे कम से कम नहीं तो 85% से ज़्यादा के चांसेस मुझे दिखाई देते हैं यहाँ बॉटम बनता दिखाई देता है। 15,500 के नीचे अगर मार्केट रहता है वॉल्यूम से, फिर वहाँ फिर सेलिंग आ जाती है, फिर तो भगवान हवाले, फिर दोबारा एनालिसिस करेंगे वहाँ जाके क्या होने वाले। बट यहाँ पे एज ऑफ नाउ लुकिंग एट ऑल दी सिनेरियोस, लुकिंग एट ऑल दी जियोपॉलिटिकल न्यूज, एवरीथिंग, मेरी कैलकुलेशन कहती है, मेरी गट फीलिंग कहती है 15,750 15,500 के आसपास में प्लस माइनस 1,200 पॉइंट आप कर सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी एक बॉटम बना सकती है। तो ध्यान रखिएगा बाजार में, और यहाँ पे जब बाजार इन लेवल्स के आसपास आता है तो आपको जिन स्टॉक्स में आप फंसे हैं, आप उन सभी स्टॉक्स की एवरेज वहाँ पे जरूर कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी के कौन से ऐसे लेवल हो सकते हैं जहाँ पे आप एवरेज करने की या बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा। मार्केट इज ऑलवेज गवर्नड बाय टू फोर्सेस, वन इज फियर एंड अनदर इज ग्रीड। कहा जाता है व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी सेल, व्हेन एवरीबॉडी इज इन फियर बाय। बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये कहते हैं कि जब दुनिया बेच रही हो आपको खरीदना चाहिए, और जब दुनिया खरीद रही हो अपना माल दे देना चाहिए, बेच देना चाहिए, क्योंकि आज बायर है कल हो या ना हो। तो यहाँ पे एक ऐसा इंडिकेटर आपके सामने है जो कहीं ना कहीं, इसको मैं फूल प्रूफ तो नहीं कहूँगा, बट हाँ कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा हिंट दे देता है कि बाजार में लोगों का रुझान क्या है। दिस इज दी मार्केट मूड इंडेक्स बाय टिकर टेप। देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है, इसको स्टडी करना, इसको समझ लीजिए। ये तीन जोन है, एक एक्सट्रीम फियर का जोन है, एक फियर का जोन है, एक ग्रीड का जोन है, चार जोन है इनफैक्ट, और एक है एक्सट्रीम ग्रीड का जोन। मार्केट यहां पे थी जब निफ्टी 18,600 के आसपास ट्रेड कर रही थी, अब निफ्टी आ गई है एक्सट्रीम फियर में, यहां पे 16,200 के आसपास में निफ्टी आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये जोन खत्म होगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा, ये जोन खत्म होगा। हो सकता है 15,500 जो हमने 15,750 के आसपास के जो लेवल निकाले हैं, हो सकता है यहां पर आके इसका बॉटम बन जाए। बट हाँ, ये तो मैं श्योर हूं कि जब दुनिया डर रही है तो यहां मैं अपनी खरीदने की शुरुआत कर सकता हूं। When people are into extreme fear, you have to buy. तो अपनी इक्विटी में एवरेज करने की शुरुआत आप कर सकते हैं। If you really want to invest 100 rupees or 1000 rupees, इसको तीन में डिवाइड कीजिए तो 33% आप आज इन्वेस्ट कीजिए, 33% आप 16,000 के आसपास इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए, 33% को वेट कीजिएगा 15,500 के आसपास, जो भी बॉटम बनेगा वहाँ के आसपास में। तो यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, रुक जाइए, होल्ड कीजिए, शांति रखिए, घबराइए मत बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कह रही है, बैंक निफ्टी में आप कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिन पे आप स्टडी करके अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं कि कुछ पैसा शायद बन जाए। यहाँ पे बैंक निफ्टी को हम लगा लेते हैं और 35,229 के आसपास की क्लोजिंग दिखाई दे रही है, 35,200 के आसपास दिखा रहा था। यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है, लिख देता हूं आपको, जो मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, दैट इज 35,156। और अभी बहुत ही नियर में एक रेजिस्टेंस है, अगर वो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी क्रॉस करती है तो यहां पे चांसेस हैं कि एक अपसाइड मूवमेंट यहीं से शुरू हो जाए। 35,344 देखना होगा कि इसको भी सस्टेन करती है कि नहीं करती, बट चांसेस आर 90% चांसेस हैं कि ये टूटेगा, 10% चांसेस है ये टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी तलाश करने की कोशिश करेगी वो रहेगा 34,970, 34,780 एंड फाइनली अराउंड 34,500। तो ये लेवल होते हैं, मेरे को समझ में आता है कि 34,500 के आसपास बैंक निफ्टी की बॉटम बनाने की पूरी कोशिश कर सकती है। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं हम गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स एंड उसके टारगेट्स। गोल्ड सिल्वर कैसा चल रहा है, बहुत ही तेज हुआ। कल मैंने आपको कमोडिटी की वीडियो में दिया था कि हम भी गोल्ड सिल्वर तेज हो सकते हैं, और अच्छा खासा ब्रेकआउट के मैंने आपको प्राइसेस दिए थे। अब चल रहा है 52,300 चल रहा है, और यहाँ पे अगर हम 52,300 को पकड़ लेते हैं कि भैया यहाँ से क्या खेल समझ में आते हैं, तो फर्दर जो ब्रेकआउट हुआ, अगर और तेज़ी गोल्ड में चाहिए, ठीक है, तो गोल्ड में जो अभी इस लेग में तेज़ी अगर आती है तो ब्रेकआउट अगर देखा जाए तो ब्रेकआउट गोल्ड में होगा अबव
फर्दर जो बहुत बढ़िया तेजी आएगी 52,441 के ऊपर निकलेगा, 444 के आसपास ऊपर निकलेगा तो ही ब्रेकआउट होगा, और नहीं तो इसका अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होती है तो बहुत ही इमीडिएट सपोर्ट इसका जो दिखाई दे रहा है, बहुत ही नज़दीक का सपोर्ट है वो दिखाई दे रहा है मुझे 52,200 के आसपास में, 52,212-210 पकड़ सकते हैं, और उसके नीचे में अगर उसको ब्रेक करता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो 15,980 एंड 51,700 के लेवल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अब रेजिस्टेंस फर्दर तेजी करने के लिए 52,444 के ऊपर क्लोज करना होगा गोल्ड को, तब हम सोचेंगे कि और फर्दर ज़्यादा तेजी आ सकती है, और जिसके ऊपर अगर निकल जाता है ब्रेकआउट, अगर 52,444 के ऊपर और ब्रेकआउट हो जाता है, यूएस से और अच्छी खबर नहीं आती है, रशिया से अच्छी खबर नहीं आती, तो यहाँ पे 52,670 52,900 एंड 53,130 गोल्ड इन लेवल्स को भी टच कर सकता है ऊपर में, बशर्ते वो 52,444 को क्रॉस करे, वॉल्यूम के साथ में सस्टेन करे उसके ऊपर में। तो ये देखते हैं सिल्वर के क्या लेवल हो सकते हैं। दोस्तों सिल्वर अभी चल रही है 67,370, अभी मैं कुछ 7:30 बजे के आसपास 24 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, और जो मेजर ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट जो सिल्वर का अब होने वाला है वो होने वाला 67,600 के ऊपर में। इसके ऊपर अगर बदलाव चलता है तो यहाँ पे आराम से सिल्वर 68,121 और 68,390 को भी आराम से टच कर सकती है, बट अगर इसके नीचे बजा रहता है और ये रेजिस्टेंस का काम करता है, इसके नीचे नीचे चलता है और यहाँ पे सपोर्ट जो इमीडिएट रहेगा 67,340 का, जो अभी 390 के आसपास चल रहा है, बहुत ही छोटा सा सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर 66,820 के आसपास ये जा सकती है सिल्वर। क्रूड ऑयल को देख लेते हैं कि क्रूड ऑयल के चांसेस क्या दिखाई देते हैं। दोस्तों क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है 7,545 के आसपास में, ये भी पूरी तेजी में बैठा हुआ है, क्योंकि सारा जो मामला है रशिया के इस वॉर से सारा ऑयल से तो जुड़ा ही हुआ है, तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्या क्रूड ऑयल और नया हाई बनाने वाला है। तो यहाँ पे अगर देख लें तो 7,540 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे फर्दर तेजी अगर और चाहिए और तेजी बनाने के लिए क्रूड ऑयल को 7,570 को ब्रेक करना होगा विद वॉल्यूम्स, इसके ऊपर में एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, और ब्रेकआउट अगर ऊपर हो जाता है तो यहाँ पे ये 7,740 तक भी जा सकता है, पहले रहेगा 7,656, दूसरा रहेगा 7,740, और थर्ड टारगेट मेरा इसके लिए मैं जिसके प्ले करूँगा 7,840 के लिए मैं ट्रेड कर सकता हूँ, बट अगर 7,570 के नीचे नीचे रहता है और इसमें अगर 7,545 चल रहा है, यस 7,480 का स्टॉप लॉस लूंगा मैं, बेसिकली सपोर्ट रहेगा, मैं इसको वॉच करूंगा, अगर 7,480 अगर होल्ड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये 7,390 और 7,310 तक भी आराम से स्लाइड कर सकता है। गाइस आप ध्यान रखिएगा कि इक्विटी और कमोडिटीज आपस में इन्वर्सली रिलेशनशिप है, स्पेशली इक्विटी को अगर हम एक तरफ रख दें तो बेसिकली गोल्ड, क्रूड ऑयल एंड सिल्वर ये हमेशा इक्विटी के अगेंस्ट चलते हैं, स्पेशली गोल्ड एंड क्रूड। तो यहाँ पे देखना होगा कि जियो पोलिटिकल न्यूज़ कैसी आती है, रशिया कितनी बात को मान पाती है, बाकी लोगों की रिक्वेस्ट को सुन पाती है नहीं सुन पाती है, समझेगी नहीं समझेगी, या ये हीटेड वॉर कब तक चलने वाली है। तो गाइज मेरी उम्मीद है कि आप बाज़ार में पैनिक नहीं करेंगे, जो चीज़ें हैं सही लेवल ढूंढने की कोशिश करेंगे, स्टडी कीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए बाजार से एग्जिट करने, एग्जिट नहीं करना, डरना मना है, मैंने आपको पहले वीडियो में दे दिया है। तो यहाँ पे आपको सही इंपॉर्टेंट लेवल्स को तलाश करना है, अपनी पोजीशंस को एवरेज करना है और वेट कीजिए, थोड़े टाइम के बाद में ये फल पकेंगे तो बहुत मीठे होंगे, मेरा विश्वास कीजिए यहाँ पे बाजार कभी भी ख़त्म नहीं होगा, बाजार हमेशा नया हाई बनाएगा, नए आयाम बनाएगा, नए टारगेट्स बाजार के आने ही आने हैं, ये क्रैशेस, ये फाइट्स, ये करेक्शंस आर दी अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज। टेक केयर, सी यू इन सम अदर वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।